शनिवार आज सुबह भीषण सड़क हादसे में गोवा भतीजे समेत चार लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा नागौर में हुआ है। बता दें कि लोक परिवहन की एक बस ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे के बाद कार घूमकर बस के सामने आ गई। हादसे में कार सवार एक महिला और तीन पुरुष समेत चार लोगों की मौके पर मौत हो गई है। इनमें दो भाई, एक महिला और बच्चा शामिल है। वहीं कार सवार तीन लोग घायल हुए। मौके से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया गया और सभी कार सवार जोधपुर के सोयला क्षेत्र के रावो ढाणी के निवासी। घटना सदर थाना क्षेत्र के जोधपुर हाईवे पर चिमरानी गांव के पास की है। SHO त्रिलोक वर्मा ने बताया कि हादसा आज सुबह का है। हादसा इतना भीषण था कि एक्सीडेंट के बाद कार के परखचे उड़ गए। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इस हादसे में कार सवार सोला निवासी संजू पुत्र दयाल राम, सीता पुत्री सुरता राम, राहुल पुत्र दयाल राम और रिश्तेदार भाली राम पुत्र गुलाब राम निवासी ओलादन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में अजय पुत्र दयाल राम, ज्योति और दयाल राम पुत्र सुरता राम गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को JLN हॉस्पिटल में प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं सभी शव को JLN हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। सिनाख तगी के बाद परिजनों को सूचना कर दी गई है। उनके पहुंचने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। तो यदि आपकी खास खबर इस तरह खबर जुड़े रहने के लिए बने रहे जमुनी के साथ।